मैं घर से बाहर निकली तो सख्त परेशानी में मुब्तिला थी, क्योंकि आज मुझे अपने कपड़े सिलवाने थे। मैंने अपनी सहेली की शादी में शिरकत करने के लिए नए कपड़े खरीदे थे, मगर कोई दर्जी फारिग नहीं था। मैं बाजार में आई ताकि कोई नया दर्जी ढूंढ कर उससे कपड़े सिलवा सकूं। आमतौर पर मैं अच्छी दुकानों से कपड़े बनवाती थी, मगर आज जो के मजबूरी थी, एक आम सी खस्ता हाल दुकान में चली गई। इस दुकान में एक 30 साल का टेलर बैठा अपने कपड़े सिलाई करने में मशरूफ था। दुकान में और कोई लड़का मौजूद नहीं था। इससे मालूम होता था कि इस पर काम का काफी बोझ होगा। मुझे उम्मीद तो कोई नहीं थी, मगर बात करने में हर्ज ही क्या है। यही सोचकर मैंने इसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और मुझे यूं देखने लगा कि जैसे मैंने इसके दुकान में आकर गलती की हो। भाई साहब, क्या एक दिन में मेरे कपड़े सिल जाएंगे? मैंने कपड़े वाला शॉपर इसके काउंटर पर रखते हुए कहा। जी बाजी, कोई मसला नहीं, आप कल सुबह आकर ले जाइएगा, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। अच्छा, वाकई मैं खुश हो गई, मैं आपको ज्यादा सिलाई दे दूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, आइए मैं आपका नाप ले लूं। बस आपके ये कपड़े कल सिल जाएंगे। मैं इसकी बात पर चौंक गई, मैंने तो किसी मर्द दर्जी को अपना नाप नहीं दिया था, मैं भला इसे कैसे नाप दे सकती थी। मैंने कहा, मैं नाप तो नहीं देती, मेरे नाप वाले कपड़े हैं साथ, मैं घर वापस जाती हूँ, एक घंटे में वो कपड़े लाकर तुम्हें दे दूंगी, तुम उन्हीं नाप के कपड़ों पर मेरा नया जूड़ा बनाना। उसने कहा, ठीक है। मैं गाड़ी में बैठी और घर आ गई, फटाफट अपने कपड़े ढूंढे और इसी तरह वापस जाकर दर्जी को दे आई। दर्जी मेरे कपड़े लेकर खुश हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है, इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। बोला, बस अब सही नाप मिल गया है, मैं जल्द ही आपके कपड़े तैयार कर दूंगा, आप सुबह 10 बजे आकर ले जाइएगा। इसके बाद पर मैं खुशी खुशी घर आ गई। रात भर मैं अपने दोस्तों से बात करती रही। सुबह मुझे वैसे भी लेट उठना था, 12 बजे मेरी आँख खुली, शादी तकरीबन 4-5 बजे शुरू होनी थी। मैंने हाथ मुंह धोकर टेलर का रुख किया। दुकान पर पहुंची तो ये जानकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि दर्जी ने इंतहाई खूबसूरत कपड़े सिलाई कर रखे थे। इनमें किसी किस्म की कोई कमी बाकी नहीं थी, बल्कि इसने तो और भी सजावट कर रखी थी, जिससे मेरे कपड़े की खूबसूरती दोगुनी हो गई। मैंने उसे ज्यादा सिलाई दी और खुशी खुशी कपड़े लेकर घर आ गई। अपनी सहेली की शादी पर मैंने शिरकत की। ये कपड़े पहने तो सभी ने तारीफ की, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोच लिया कि आइंदा सभी कपड़े इसी दर्जी से बनवाऊंगी, तो मुझे याद आया कि मेरे नाप वाले कपड़े तो उसी दर्जी के पास रह गए। मैं उसकी दुकान पर गई, उससे कहा कि आपने कपड़े तो बहुत अच्छे सिलाई किए, मगर मेरे नाप वाले कपड़े अपने पास रख लिए, आप मुझे वो वापस कर दें। वो इधर उधर ढूंढने लगा, सारी दुकान ढूंढ ली, मगर उसे कहीं कपड़े ना मिले। बोला, लगता है कि मैं आपके कपड़े घर ले गया हूँ, ऐसा कीजिएगा कि आप फिर किसी दिन आ जाइएगा, मैं आपको वो कपड़े वापस कर दूंगा। उसने इस अंदाज में माजरत की कि मैं कुछ बोल नहीं सकी। अब मैं उसे देखती तो लगता जैसे वो मुझसे नसरे छुराता है। इसकी ये बात मेरे दिल को अच्छी लगती, मुझे ना जाने क्यों अब वो अच्छा लगने लगा था। फिर मैं घर आई, अम्मी ने पूछा कहाँ गई थी, मैंने उन्हें दर्जी वाली बात बता दी। कहते हैं कि जब इंसान को कोई अच्छा लगता है तो वो बार बार उसी का जिक्र करता है। मेरी बात सुनकर अम्मी को भी मालूम हो गया कि मेरे नाप वाले कपड़े दर्जी के पास रह गए। मैं तो इस बात को भूल जाती, पर अम्मा ने मुझे कहा, बेटा किसी को भेजकर अपने नाप वाले कपड़े मंगवा लेना। अम्मा की बात पर अमल करने की बजाय मैं खुद ही उसकी दुकान पर पहुंच गई। हालांकि मैं ड्राइवर को भी भेज सकती थी, खुदा जाने कि इसमें क्या कशिश थी कि मैं इसकी दुकान की तरफ खींचती जाती। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि मैं एक अमीर घराने की इकलौती बेटी हूँ और एक मामूली से दर्जी के आगे पीछे घूम रही हूँ। खैर, मैं इसकी दुकान में दाखिल हुई। आज एक अजीब सी फिजा इसकी दुकान में कायम थी। एक बूढ़ा आदमी इसके सामने बैठा हुआ था। जैसे ही मैं दुकान में दाखिल हुई, बूढ़े आदमी ने मुझे गौर से देखा, जैसे वो मुझे कई सालों से जानता हो। मैं उसे पहचान नहीं सकी, ना ही उसे जानती थी। खैर, बूढ़े को नजरअंदाज करके मैंने दर्जी को सलाम किया।
वसीम ने जवाब दिया और साथ ही नजरें झुका ली। क्या मैं इतनी हसीन हूँ? उसने मुझे देखने की क्या जरा भी तमन्ना नहीं? मैंने दिल में सोचा और इससे बातें करने लगी। तब इसने बड़ी माजरत के साथ मुझे बताया कि मेरी कमीज जो कि नाप के साथ थी वो गुम हो गई है। अलबत्ता पजामा वगैरह ले जा सकती हो। उसने एक शॉपर में बंद कपड़े मेरी तरफ बढ़ाए। कपड़े लेकर मैं दुकान से बाहर आ गई। मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। घर आकर मैंने वो कपड़े साइड में रख दिए। अम्मा से बातें करते करते रात हो गई। पता ही न चला कि कब सो गई। सुबह सुबह शाजिया मेरे कमरे में आई। वो हर इतवार को हमारे कपड़े धोती थी। मैंने उसे वो शॉपर पकड़ाया। उसने पजामा निकाल कर देखा तो बोली, इसमें तो इतने बड़े बड़े सुराख हो गए हैं। इसकी बात पर मैंने पजामा देखा तो इसमें वाकई जगह जगह सुराख थे, और सुराख भी ऐसे जैसे खुद कैंची से काटे गए हों, बल्कि इनमें बराबर बराबर वक्फा भी था। मतलब ये कि ये किसी जानवर या चूहे के काटने के निशान नहीं थे। मुझे बहुत हैरत हुई, इतना माहिर दर्जी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। खैर, अब तो मुझे दुकान पर जाने का एक और बहाना मिल गया। इस दिन मैंने सोचा कि मैं दुकान में जाकर दर्जी से इस बारे में पूछूं। फिर सोचा, यूं तो उसे भी मालूम हो जाएगा कि मैं उससे मिलने के बहाने ढूंढती हूं। ऐसा करती हूं कि कोई नया जोड़ा खरीदती हूं, फिर वो सिलवाने के लिए उसकी दुकान पर जाऊंगी। इसी बहाने उसे भी देखाऊंगी कि आखिर वो मुझे देखता क्यों नहीं। मैंने इसी वजह से दुकान से जाकर नए जोड़े लिए और बनवाने के लिए दर्जी की दुकान में चली गई। वसीम इसी तरह आज भी नसरे झुकाए बैठा था। मैंने काउंटर पर कपड़े रखे। उसने बिना मुझे देखे कपड़े साइड पर रख दिए। मैंने कहा, तुम यूं मेरे कपड़े सिलाई नहीं कर सकते, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा, आप मुझे बताएं, मैं सुन रहा हूँ। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखकर बातें करें, मगर वो यूं नसरे झुकाए खड़ा था जैसे वो मेरी दिल से इज्जत करता हो। इसके इस रवैये पर मुझे हैरत भी हुई और दिलचस्पी भी। रफ्ता रफ्ता वसीम के लिए मेरी पसंदीदगी बढ़ती गई। अब मैं अक्सर इसकी दुकान के चक्कर लगाने लगी। हालांकि मेरा सूट 5 दिन के बाद तैयार होना था, मगर मैं 2 दिन बाद ही आ गई। वसीम को भी शायद अंदाजा हो गया था कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। मैंने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, मगर सच तो यह है कि मैं अब उसे अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहती थी। घर में किसी को बताने की बजाय मैंने सबसे पहले अपनी सहेली कायरा को बताया। कायरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरी बात पर वो भी खुश हो गई। कहने लगी, ये तो बढ़िया लव कहानी लगती है, लेकिन पहले मैं इस टेलर से मिलूंगी। अगर तो वो एक अच्छा इंसान हुआ तभी अंकल आंटी से बात करूंगी। मैं खुशी खुशी उसे वसीम से मिलवाने उसकी दुकान पर ले गई। उसे देखते ही कायरा का दिमाग घूम गया। वापस गाड़ी में आकर बैठ गई, मुझे अच्छी खांसी सुना दी और बोली कि ना अकल ना शकल, मैं समझी थी बड़ा खूबसूरत होगा, मगर इसका ना कद है ना काठ ना सेहत है। तुम्हें आखिर इसमें ऐसा क्या नजर आ गया? बस इसलिए कि ये नजरें झुकाए रहता है। क्या तुम इस पर किसी से भी शादी कर लोगी? कायरा की बातें मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने इसे कहा तो कुछ नहीं, मगर इसने मेरी मोहब्बत को यूं दुत्कारा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने दिल में सोच लिया कि अब वसीम से ही शादी करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया की मुखालफत क्यों ना मोल लेना पड़े। माँ बाप से बात करने से पहले मैंने वसीम से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसने सादगी से जवाब दिया, बाजी आप रोजाना ही दुकान में आ जाती हैं, फिर मिलने की क्या जरूरत है। मैंने उसे डांट दिया, मुझे बाजी मत कहो, और दूसरी बात ये कि मैं इस दुकान में नहीं तुमसे बाहर मिलना चाहती हूँ। खैर, मुख्तसर ये कि वो एक होटल में मुझसे मिलने पर राजी हो गया। शाम को मुकर्रा वक्त पर हम दोनों पहुँच गए। वसीम बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं इसके साथ टेबल पर बैठी थी। हर कोई हमें गौर से देख रहा था, जैसे लोग हमारी जोड़ी में बहुत दिलचस्पी रखते हों। मैं भी वसीम को देख देख कर सदके वारी जाती, और वो इस माहौल में आकर काफी हैरान और खुश हो रहा था। खाने का बिल मैंने अदा किया। खाना खाने के बाद मैंने वसीम से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे दिल में कोई और बात नहीं सिवाय इसके कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूँ। मेरी बात सुनकर वसीम की बांचें खुल गईं। इसे तो मेरी बात पर यकीन नहीं आया। बोला, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? मैंने उसे चुटकी काटी और कहा कि तुम हकीकत में एक हसीन लड़की के मियाँ बनने वाले हो। इस बात पर वो हंसने लगा। यूं मैंने उससे शादी की बात कर ली, मगर अब मसला मेरे घर वालों का था। भला वो मुझे करोड़ों की जायदाद वाली लड़की को एक दर्जी के साथ क्यों बेल देते? मैं भी ये बात अपने माँ बाप से करने का फिलहाल सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि पहले अम्मा को एतमाद में लूंगी, जब वो मेरी बात को समझ जाएंगी तो खुद ही अब्बा को बता देंगी। इन दिनों मैंने परेशान रहने का नाटक शुरू कर दिया। मैं हर वक्त बिखरे बिखरे बालों और बेतुकी बातों की वजह से अम्मा की तवज्जो का मरकज बन गई थी। मुझे पैसे देती, कहती जाओ जाकर शॉपिंग करो, मगर मैं तो कुछ और ही चाहती थी।
एक दिन अम्मा ने अपनी गोद में मेरा सर रख कर पूछा, बेटी तुम क्यों परेशान हो, लगता है तुम्हें कोई अंदरूनी परेशानी है। तब मैंने अम्मा के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया और कहा कि अम्मा अब मैं आप लोगों से वसीम से शादी की बात नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ कि आप लोग मना कर देंगे, यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगी, मगर आपसे कुछ ना कहूंगी। मेरी बात पर अम्मा का दिल पिघल गया, वो बोली, हमारा सब कुछ तेरा ही तो है, अगर तुझे कोई पसंद है तो हम तेरी शादी उसी के साथ करेंगे, फिर उसे कारोबार पर सेट कर देंगे ताकि वो भी अपनी जिंदगी हमारे मयार के मुताबिक जी सके। अम्मा की बातें सुनकर तो मैं खिल उठी। मैंने फौरन जाकर वसीम को इत्तला कर दी कि अम्मा अब्बा शादी पर मान गए हैं, मगर शाम को जब अब्बा आए तो अम्मा ने उनसे इस सिलसिले में बात की। अब्बा ये बात सुनते ही जैसे गुस्से से भड़क उठे, इनका ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था, शायद खुद अम्मी ने भी नहीं देखा था, वो इस कदर परेशान हुई कि मैं देखती रह गई। अब्बा का चेहरा गुस्से से लाल था, तुम्हें किसने कहा कि तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अपने बाप से पूछे बगैर कर दो, अब्बा मुझे डांटने लगे, हालांकि मैं इनकी इकलौती बेटी थी। अब्बा का गुस्सा देखकर मैं रोने लगी, समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ये बात इतनी जल्दी अब्बा को बता दी कि इन्होंने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया और बोले, तुमने मेरी आज़ादी का गलत फायदा उठाया है, मैंने तुम्हें इसलिए ये आज़ादी नहीं दी थी कि तुम एक मामूली दर्जी के साथ शादी करने की जिद करो, लड़की कोरे कागज की तरह होती है, एक बार तुम्हारी शादी इस भिखारी के साथ हो गई, इसके बाद कोई तुम्हें मुंह लगाना पसंद नहीं करेगा, फिर मेरी दौलत भी किसी काम ना आएगी, तुम्हें अच्छा शौहर जिंदगी भर ना मिलेगा, तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब्बा की बातें सुनकर मैं मायूस हो गई, मैं वसीम से गहरी मोहब्बत करने लगी थी, मैं उसे किसी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। मैंने अब्बा की मिन्नतें शुरू कर दी मगर अब्बा पर मेरी किसी बात का असर ना हुआ, उन्होंने साफ कह दिया कि तुम्हारी शादी वाजिद अंकल के बेटे नासिर के साथ होगी और तकरीबन 6 महीने के बाद तुम्हारी रुखसती होगी। अब्बा ने अभी तक मेरा रिश्ता शायद वाजिद अंकल से कह कर पक्का कर दिया था, बस बड़ों के दरमियान बात हो गई थी, रस्में बाकी थीं। इस बात से जब मैं आगाह हुई तो मेरी तो जैसे रूह कांपने लगी, मैंने सोच लिया कि अब वसीम को हासिल करके रहूंगी, अपने अब्बा की बात मर कर भी ना मानूंगी, हमने तो जीने मरने की कस्में साथ खाई थी, अब इसे मैं कैसे छोड़ सकती थी। तब मैंने एक दिन अपने माँ बाप के नाम खत लिखा और घर से निकल गई। मैंने घर से मुख्तसर सामान उठाया और कुछ रकम के साथ अपने घर से निकली, ये तकरीबन शाम के 6 बजे का टाइम था। मेरा ख्याल था कि मेरे अम्मा अब्बा मुझे इतनी जल्दी नहीं ढूंढेंगे, वैसे भी मैं रात के 11-12 बजे तक घर से बाहर रहती, अम्मा अब्बा तो वैसे भी मुझसे कोई सवाल ना करते थे। इस दिन तो महज 6 बजे थे, 6 बजे के करीब जब मैं वसीम की दुकान पर पहुंची तो वहां लोगों का हुजूम देखा, ये देखकर मैं डर गई, खुदा ना खास्ता मेरे वसीम को कुछ हो ना गया हो, कपड़े सिलाई करते हाथ न कट गया हो। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल आने लगे, मगर फिर जब देखा लोग वसीम को घसीटते हुए ले जा रहे थे, ये कोई आम लोग नहीं थे बल्कि वर्दी पहने हुए पुलिस वाले थे। उन लोगों ने वसीम को घसीटकर पुलिस वैन में बिठाया और थाने ले गए। मैं चीखती चिल्लाती रह गई मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। मैं सब समझ गई कि ये सब मेरे बाबा का किया कराया है, वो भला कब चाहते थे कि मैं वसीम की ओर जाऊं, इसलिए झूठे इल्जाम में उन्होंने वसीम को पुलिस के हवाले कर दिया होगा। मगर मैं भी अपनी धुन की पक्की थी, मैंने गाड़ी करवाई और फौरन थाने पहुंच गई। मैं जानती थी कि वसीम का कोई कसूर नहीं है, अगर एक मामूली वकील भी इस केस को देखता तो वसीम की जमानत हो जाती। मैं थाने पहुंची, मैंने वसीम से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो पुलिस वालों ने मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर मुझे उससे मिलने की इजाज़त दे दी और वो मेरे बारे में ना जाने क्या क्या बातें कर रहे थे, उनकी हंसी सब कुछ बता रही थी। मैं वसीम से मिलने पहुंची, वो वाकई परेशान लग रहा था, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगा, बोला, तुम मेरी इस गलती की वजह से मुझे छोड़ मत देना, खुदा जाने मैंने क्या किया है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, किसी दुकानदार ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है, मैंने तो आज तक चोरी नहीं की, अब तुम ही बताओ मैं किसी की क्या चोरी करूंगा, मेरी तो अपनी दुकान है। मैंने वसीम को तसल्ली दी, तुम फिक्र ना करो ये सब मेरे अब्बा की वजह से हुआ है, मैंने कहा मैं तुम्हें जल्द यहाँ से रिहाई दिलवा दूंगी। मैंने वसीम से ढेर सारी बातें की, जब वो मुतमईन हो गया मुझे भी उम्मीद हो गई तो मैं वहाँ से निकल आई। आते हुए मेरी नज़र एक लेडी कांस्टेबल पर पड़ी जो मुझे गहरी नजरों से देख रही थी, मुझे लगा कि वो मुझ में दिलचस्पी रखती है, तभी उसके करीब चली गई, उससे वसीम का ख्याल रखने को कहा। तब मेरी बात पर वो हंसने लगी और बोली, तुम पागल हो गई हो क्या, मेरी बात पर इस औरत ने हंसते हुए कहा, क्यों इसमें पागल वाली क्या बात है,
मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, हमारी शादी होने वाली है, और तुम कहती हो कि मैं पागल हूँ, इसका ख्याल भी ना रखूँ। हाँ सही तो कह रही हो, लेडी कांस्टेबल ने कहा, तुम ख्याल नहीं रखोगे तो क्या इसके पीछे 10 अमीर जादियाँ और जो पागल हैं? ये तो सभी को उल्लू बना रहा है और तुम लोग अपने माँ बाप की दौलत इस पर लुटाती रहती हो। इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने गुस्से से कहा, अगर यकीन नहीं तो किसी से भी पूछ लो। तुम्हारा ये लड़का जो हीरो बना फिरता है, ये लड़कियों पर जादू करवाता है और फिर उन्हें अपने जाल में फांस कर उनकी दौलत लूटता है। इसके साथ एक डोंगे पीर भी होते हैं, इसको भी हम कई बार जेल में बंद कर चुके हैं, मगर फिर उसे कोई ना कोई छुड़ा कर ले जाता है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं कि ऐसे जादूगरों को पक्की सजा दे सकें, क्योंकि कोई ना कोई इसकी जमानत करवा जाता है। मगर तुम खुदा के लिए होश के नाखून लो, क्यों इस निकम्मे लड़के के पीछे पड़ी हो? ये तो अपना नहीं खा सकता, अपनी माँ की पेंशन पर गुजारा करता है, दिन भर अपनी दुकान में अय्याशी करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, जो कमाता है वही लुटा देता है, तुम्हें क्या खिलाएगा? लेडी कांस्टेबल की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया। सोच नहीं सकती थी कि वसीम इससे पहले भी थाने की हवा खा चुका है, मगर इस औरत की बात पर मैं क्यों यकीन करती? मैंने अपनी तरफ से वकील भी किया, इसको रुपए दिए और कहा कि वो वसीम का केस लड़े। मेरे पास अभी तक अब्बा के दिए हुए पैसे बहुत हैं। मैं इन दिनों एक होटल में रह रही थी, मेरे दिल में यही ख्याल था कि ये सब मेरे अब्बा ने किया है, लेकिन जब वकील ने खुद तफ्तीश की तो पता चला कि वाकई वसीम इससे पहले कई बार जेल में जा चुका है। इस बात पर मुझे जोरदार धक्का लगा, मैं किस मोहब्बत के पीछे पागल हो रही थी? 6 महीने मैं अपने अब्बा की छत के बगैर रही, मुझे इसका भी अंदाजा हो गया था, और वसीम जो मेरे सामने नाटक करके हमेशा मुझसे पैसे लेता, कुछ सच अपने मुँह से भी उगल चुका था। मैंने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं गलत इंसान के साथ रिश्ता बांधने से बच गई। इस दिन मैं वापस वालिदैन के घर आ गई। बता नहीं सकती कि मैं किस कदर शर्मिंदा थी, मगर ये अम्मा अब्बा की मेहरबानी, इन्होंने मुझे फिर भी कबूल कर लिया। अलबत्ता अब्बा अब भी मुझसे नाराज हैं, मगर मैं जानती हूँ वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मुझसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह पाएंगे।